नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं वाटर कलर से, और ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे हमने स्केच को, जो हमारा आउटलाइन है, उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। और आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। मैं लिंक इसके प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड करने के लिए यहाँ पर मैं खाने वाला कलर यूज कर रही हूँ, जो कि ईजिली आपको घर में मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने वाटर को अप्लाई कर लिया है, एंड देन हम उसमें कलर को अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा थोड़ा डाल लिया है, एंड देन उसके बाद हमने ब्रश से इसको मिला दिया है। तो देखिए कितना अच्छा यूनिक सा लुक आ गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और यहाँ पे हम कलर यूज कर रहे हैं वाटर कलर, जो कि है आर्टिस्ट कैमलिन के वाटर कलर है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, अनबॉक्सिंग वीडियो, और इसका रिव्यू भी मैंने दिया था कैसा है ये कलर, बहुत ही अच्छा कलर है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करना। आपको क्या करना है, जब भी आप फर्स्ट लेयर करते हैं थोड़ा थोड़ा ही पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं लेना होता है, क्योंकि वाटर कलर में आप जितने ज़्यादा लेयर देते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि आपको लाइट टू डार्क ही करना है। अगर आपने वाटर कलर में एक बार डार्क कर दिया तो आप लाइट नहीं कर, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप डार्क को लाइट कर सको। जैसे कि अगर आप अकेले कलर यूज करते तो वहाँ पे आप लाइट कर सकते हैं, अगर आपसे डार्क हो गया है, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो भी आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। पर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर आपने एक बार गलत कर दिया, आपकी ब्रश एक बार चल गई, यानी चल गई होता है, ऐसा होता है वाटर कलर में। इसलिए यहाँ पे ब्रश को हैंडल करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वाटर को हैंडल करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लाइट कलर लिया है, जहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है, और ब्राउन में मैंने थोड़ा सा वाटर ज़्यादा मिक्स किया है सो दैट थोड़ा लाइट लगे। और यहाँ पे मैंने येलो भी मिक्स करा है। और तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, कभी भी आपको वाटर कलर में ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। उसमें कुछ आप जैसे ब्राउन कलर या फिर रेड कलर उसमें मिक्स करके ही यूज़ करिएगा, एंड देन लेयर बाय लेयर आपको डार्क करते जाना है। यहाँ पे आप देखिए, पहले मैंने फर्स्ट लेयर आईज में कर दिया है, एंड देन मैं सेकेंड लेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हम ऐसे ही काफ़ी सारी लेयर्स को ऐड करते जाएंगे, एकदम से हम नहीं करेंगे कि हम एक साथ ही, हम सोचें कि बस एक बार भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, जो भी हम डेप्थ देना चाहते हैं वो एक ही चीज़ में नहीं आने वाला है। रियलिस्टिक लुक एक बार में बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप सोचे तो, इसलिए आपको लेयर बाय लेयर एंड पेशेंस के साथ वर्क करना होता है। आप जितना ज़्यादा अच्छे से उसमें टाइम दोगे उतना ही आपका अच्छा ड्राइंग बनेगा। और वाटर कलर ये बहुत ही अच्छा मीडियम होता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो जाता है। और इसमें एक जो चीज़ होती है वो ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप थोड़ा सा पेपर को थिक लीजिएगा, अगर आपका पेपर थिक नहीं होगा तो आपका पेपर गल जाएगा और आपकी ड्राइंग भी ख़राब हो जाएगी। बट यहाँ पे जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ वो नॉर्मल पेपर है, सार्थक स्केच बुक जो आती है उसी का मैंने पेपर लिया हुआ है। बट आप थोड़ा सा थिक पेपर लीजिएगा, जैसे कि आप अगर बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा थिक लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम वाटर को अप्लाई करते हैं तो बेसिक सी बात है कि वो गल जाते हैं, और हम शुरू में ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो उससे गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने लेयर बाई लेयर वर्क करा है, और काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छा लुक आ रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छा फील भी हो रहा था इसको करते टाइम। और ये मेरा पहला वाटर कलर पोर्ट्रेट था, जो जिसे करके मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुआ है, और मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से टाइम देकर इसको वर्क किया है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोर्ट्रेट में, किसी भी ड्राइंग में, वो ये होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है, आप कितना रेफरेंस इमेज को अपने ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि जब तक आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, जब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आप अच्छे से अपनी ड्राइंग को ऑब्जर्व करिए, एंड देन आप उसमें कलर करना स्टार्ट करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।